2 साल पहले मैंने कॉस्ट का एक वीडियो बनाया था जहाँ पे तुम लोगों को बताया था कि ये सब्जेक्ट कितना इजी है, लेकिन फिर भी हम सब फेल हो रहे थे। क्यों? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती थी कि तुमको नोट्स नहीं मिल रहे थे, तुमको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, तुमको कोई कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो चुकी है। कॉस्ट का एक एक चैप्टर मैंने बैठ के पढ़ाया है और वो 1 आवर से 40 मिनट्स के बीच में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है। तो तुम इसे कॉलेज के बीच में देख के पढ़ो या एग्जाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ो, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं तुमको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पढ़ना कैसे, पढ़ने का सीक्वेंस क्या है और मेन मतलब ये पेड क्यों है। मैं लालची हो गया, मुझे पैसे कमाने का ज्यादा शौक है, सब कुछ देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है ना, वो हमारे वेबसाइट का लिंक है। वहां पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे एक कोर्सेज के पेज पे चले जाओगे जहां पर सारे कोर्सेज तुम्हें दिख जाएंगे। फिलहाल के लिए कॉस्ट के वहां पर 1 यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे हैं, सारे चैप्टर्स, नोट्स, PDF, फॉर्मूला शीट्स, सब कुछ एंड डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है। वो देखने के पहले तुम्हें डाउट है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ऐसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक प्लेलिस्ट का है जो कि यूट्यूब के ऊपर थोड़े से वीडियोस, थोड़े से लेक्चर्स फ्री में है, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। मैं तुमको बताता हूँ मैंने उसके पीछे पेवॉल के पीछे वो सब क्यों छुपा के रखा है। तो तुम वो खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो वो थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, लेकिन पढ़ने का तुम्हारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो ये तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर जितने सारे दिख रहे ना, वो सारे तुम्हारे चैप्टर्स है। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है यूनिट 1 दोनों चैप्टर्स एक साथ, तुम्हारे एक क्वेश्चन डन। फिर यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, बाकी के बाद पढ़ना। फिर यूनिट 5, क्यों? क्योंकि यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर से आगे यूनिट 4 तक सारे के सारे जो है हाइपोथेसिस एंड थ्योरेटिकल के ऊपर है, जिसमें सब कुछ ऐसे कहीं ना कहीं लिंक्ड है, जेड स्कोर वगैरह है, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पर थोड़ा प्लॉट करना है, बहुत कुछ है। तो तुम्हें वो एक बार स्टार्ट कर दिया ना, तो एक फ्लो में खत्म कर दो। अगर बहुत टाइम, अभी वीडियो अपलोड हुआ है और तुम अभी देख रहे हो तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से देखो। अगर लेकिन लास्ट मोमेंट पर हो तो तुम्हें यूनिट 2 के थियरी देखने के बाद थोड़े सम्स देख लो ताकि क्लियरिटी आए। फिर यूनिट 3-4 पे जंप कर जाना फास्ट, क्योंकि वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं और वहां पर थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, तो फिर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। और रिवाइज करने के लिए लास्ट में ना एक फॉर्मूला शीट है नोट्स के एंड में, जहां से तुम फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हो। और फॉर्मूला शीट्स एकदम मस्त कलर वलर से बनाई है। पढ़ना किसको अच्छा लगता है, पहले ही वो बोरिंग है, उसको जितना हो सके उतना मैंने इंटरेस्टिंग किया है, उतना हंसी मजाक में मैंने पढ़ाया है, दोस्त के तरह बैठ के पढ़ाया है तुमको कि सुन इधर आ बैठ, ये इतना इजी है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें पैसे पे करने के लिए, तो तुम फ्री लेक्चर्स देख के देखो। अब सेकंड बात यहाँ से कि इतना ही अगर तुमको शौक था तो तुमने पैसे ले क्यों रहा है पहली बार। मैं पिछले 1 साल से मैंने कितने बार वीडियोज में बताया जाएगा, मेरा मेन गोल जो था वो था कि BSc AD के सारे कोर्सेज ऑनलाइन डाल देना ताकि कॉलेज जाना ही ना पड़े। उसको मैंने सोचा कि ठीक है मैं अकेला कंप्लीट करता हूँ, किसी कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं, अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो शायद वहां से कुछ पैसे आ जाए। यूट्यूब के एडिसेंस से भी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन। एंड बहुत मिनिमल प्राइस है, 150 रुपीज का एक चैप्टर है। अगर तुमने सारे सब कुछ पढ़ना है, स्कोर करना है एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, तो तुम सारे ऐड करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो। इसका कूपन क्या है? GA69_10, उससे तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कि तुम गूगल पे से पेमेंट कर सको, उसके लिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। इसका क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो, ये मैंने गलती से इनकॉर्पोरेट किया है क्योंकि UPI पेमेंट चाहिए था। तो RBI के पास मैंने ऐसा देखा कि UPI का क्या, वो बोल रहे थे कि हम इंडिविजुअल मर्चेंट्स को दे ही नहीं जाए, हम सिर्फ कंपनीज को देते हैं, नो ऑप्शन लेफ्ट। तो 30,000 की मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है, 42,000 अब तक जा चुका है, अभी मुझे पता नहीं ये सारे पैसे मैंने कहाँ से लाए। एडसेंस से ये अर्निंग देख लो एक्सेल की, यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं है। तो पैसे कहाँ से है? पैसे मैंने फ्रीलांसिंग करके मैंने ऐसे जमा किया, एंड जो सेकंड चैनल है अपना वहां से मैंने ऐसे वायरल वीडियोस, ट्रेंडिंग वीडियोस बनाए, और वहां से अमेजोन एफिलिएट से पैसा है वो मैंने सारे यहाँ पे डाल दिया। अब मैं लोन में नहीं हूँ, लेकिन मैं निल हूँ कि कुछ पैसे है ही नहीं। अभी सारा तुम्हारे हाथ में कि इसको क्या करना है, मैं अच्छे से बताऊंगा तुमको बाद में डिटेल में आके कि मैंने प्राइवेट लिमिटेड क्या खोला, गलती से कैसे ये सब खुल चुका है मेरे से। तो फाइनली अभी ये सारा सब कुछ मैं आपके ऐसे हाथ में रख रहा हूँ। अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये लेफ्ट साइड पे बटन पे क्लिक करना, यहाँ पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और ये सारे देखो कोई टीम नहीं है, शूट, एडिट, वेबसाइट बनाना, पेमेंट गेटवे लगाना, सब कुछ मैं अकेला कर रहा हूँ। तुम्हारे मैसेजेस को तक मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो आई एम फर्स्टली डाउट्स वगैरह प्लीज मत पूछना। तुम्हारा मैसेज एकदम शॉर्ट रखो, कुछ भी हो जाए कोई भी ऐप पे क्लिक करो एंड सेंड अ मैसेज, थोड़ा टाइम दो मुझे 1-2 दिन एंड मैं रिप्लाई कर लूंगा।
और जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कोर्सेज से जितने पैसे आएंगे तो इसका आने वाला 1% सब कुछ ये वीडियो बनाने में ही खर्च होगा और फ्यूचर के सारे कोर्सेज में ही खर्च होगा, इसमें से पर्सनल एक्सपेंस एक भी नहीं होगा। और इसके सारे रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल होंगे कि कितने आए कितने गए, सारे एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी। मैं कुछ छुपा ही नहीं रहा कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बस काम करना है और मजा आता है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो क्यों ना करे। और अगर आप लोगों के साथ से आ रहे हैं, आप लोगों की वजह से आ रहे हैं, तो मैं फुल रेडी हूँ। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा फाइनेंशियल तुम्हारा, गो एंड डाउनलोड इट ऑन द वेबसाइट हर बार, आई ट्रस्ट यू ब्रो। तो तुम्हें आंसर मिल गए इस वीडियो में सारे, क्यों पेड़ है, मैं लालची की कन्वर्ट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, तो बाकी की स्टोरी तो जाने दो, एटलीस्ट पढ़ने का सीक्वेंस उस वीडियो के लिए काम के था, तो इतना ही पढ़ो, अगले वाले वीडियो में मिलते, चलो बाय। और मुझे लगता है कि ये सारे वीडियो ना मैं थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ, क्यों पता है, क्योंकि मैं हूँ। पिछले एक महीने से मेरा स्केड्यूल यही था, उठो वीडियो शूट करो सो जाओ, कान कान जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो।